אני הנחיתי כבר את המוסד לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם. Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. They will see that few thousands of savages can blackmail the international community, the superpowers. المصريين لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة لا حتكون ثاني وثالثة ورابعة لأن إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل ونحارب لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن نعم إحنا The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. जी हाँ, बड़ी खबर यह कि क्या हमास के साथ बंधकों को छोड़ने की डील टल गई है क्या? जी हाँ, क्या नेतन्याहू ने हमास से समझौता करने से क्या इंकार कर दिया है? देखिए, हालांकि कतर ने दावा किया है कि कल सुबह 7 बजे से सीज फायर शुरू होगा और 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इसराइल और हमास के बीच सीज फायर के लिए अमेरिका की कतर में बैठक चल रही है, लेकिन इसराइल की डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये जो डील टली है ना, इतनी आसानी से सीज फायर नहीं होने वाला है। जी हां, अमेरिका में व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी कहा है कि गाजा में जंग खत्म होने वाली नहीं है। इसराइल की दरअसल पॉलिसी रही है कि वो आतंकवादी और बंधकों पर कभी नेगोशिएशन नहीं कर पाए और लगता है कि हमास के साथ इसराइल ने कुछ ऐसा ही शायद किया है। 24 घंटे पहले अमेरिका के कहने पर इसराइल और हमास के बंधकों को छोड़ने की डील हुई थी। हमास इसराइल के 50 बंधकों को रिहा करने वाला था, बदले में इजरायली भी पकड़े गए फिलिस्तीनियों को रिहा करता और सीजफायर करता। लेकिन यह सब होने से पहले ही कहा जा रहा है कि शुक्रवार को भी यह डील शायद पूरी नहीं हो पाई। रिपोर्ट देखिए। हमास से यारी, सभी मरेंगे बारी बारी। हमास के सर्वनाश तक नहीं होगी कोई डील। Nobody stopped the war. There is no interim ceasefire. There is nothing. I mean, it can be delayed again and again and again. This is part of the psychological war. एक दिन पहले तक हमास और इजराइल के बीच समझौते की बात हो रही थी। हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार था और इजराइल सीजफायर के लिए तैयार था, लेकिन अचानक तेल अवीव गाजा सेंटर और हमास लीडर्स के बीच ऐसा क्या हो गया है कि बंधकों को छोड़ने की डील खटाई में पड़ती दिख रही है। जंग के 46वें दिन ये खबर आई थी कि हमास 50 इजरायली और विदेशी नागरिकों को रिहा करने वाला है और इसके बदले में इजरायली भी कई फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा और 4 दिन का सीज फायर होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जो आशंका थी वो 24 घंटे में सच साबित हुई है। इसराइल ने हमास के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, या उसे हमास की नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इजरायली फोर्स ने कहा था हमास भरोसे के लायक नहीं है और हमास सीज फायर जैसे वक्त का इस्तेमाल हमले की तैयारी के लिए करता है। हमास हैव ए ड्यूबियस रिकॉर्ड विद रिगार्ड टू होल्डिंग फायर इन द पास्ट। दे हैव यूटिलाइज्ड दीस टाइप्स ऑफ पॉजेस इन द पास्ट टू कंडक्ट मोर किलिंग एंड अबडक्शन। यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच बंधकों को छोड़ने की डील शुक्रवार तक टल गई है। डील टलते ही गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए
अगले 24 घंटे में इसराइल ने इतने फैसले लिए हैं जिससे हमास का खात्मा तय है। इस बार इसराइल की नजर सिर्फ गाजा में छिपे हमास लीडर्स पर नहीं है, बल्कि हमास के वो टॉप कमांडर जो कतर टर्की में बैठकर हमास को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके लिए नेतन्याहू ने किलर फोर्स तैयार कर ली है। दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद को ऑर्डर मिला है कि दुनिया में जहां जहां हमास के नेता हैं उन्हें ठिकाने लगा दे। אני הנחיתי כבר את המוסד לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם. नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो आतंक के आगे किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं, क्योंकि इसराइल की पॉलिसी भी रही है कि वो बंधकों पर नेगोशिएशन नहीं करता है। हमास ने भी इसराइल से कहा था कि 3 फिलिस्तीनी के बदले 1 इसराइली को रिहा करेगा। And in exchange for this, we will, they have to release at least 3 for each one, 3 Palestinian women or children. Second, we are talking about 4 or 5 days of ceasefire, total ceasefire. The opening the borders for entrance. इस बात पर भी नेतन्याहू फायर। इजरायली इस बात से भी भड़के हुए हैं कि एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनियों की रिहाई क्यों हो रही है। नेतन्याहू से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो अमेरिका और अरब देशों के दबाव में आ गए हैं, इसलिए नेतन्याहू आग बबूला है, हमास का सर्वनाश कर उसका परमानेंट इलाज चाहते हैं। बाइबल सेज दैट देयर इज अ टाइम फॉर पीस एंड अ टाइम फॉर वॉर। This is a time for war. अमेरिका के व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी कहा है कि गाजा में जंग कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि नेतन्याहू जो बार बार कह रहे हैं कि वो हमास के खात्मे तक युद्ध नहीं रोकने वाले हैं, उसी प्लानिंग के साथ हमास से निपटने का फैसला किया गया है। Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war.